हेलो दोस्तों, मैं संध्या आपकी दोस्त। मैं अपने चैनल सांझ किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जहाँ मैं देश विदेश की रेसिपीज़ और किचन से जुड़ी सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको अपने चैनल में बताऊँगी, जहाँ आप रेस्टोरेंट जैसे खाने को अपने घर में ही बना सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ, और इसे लाइक करें और शेयर करें। चलिए आज की रेसिपी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपको देसी घी के बेसन के लड्डू बनाना सिखाऊंगी। जिस उसके लिए जो सामग्री चाहिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बेसन 250 ग्राम, थोड़ा सा मोटा बेसन लेंगे, फाइन नहीं लेंगे। राजधानी का जो बेसन होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। उसके बाद देसी घी, उसके बाद बूरा आधा किलो। चलिए अब मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना सिखाती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती रहूँगी। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बेसन के लड्डू बनाना बताती हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाती रहूँगी। सबसे पहले मैं गैस की फ्लेम ऑन करती हूँ, कढ़ाई रखी है। इसमें सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से आपका बेसन इसे चिपकेगा नहीं और काला भी नहीं होगा। थोड़ा सा डालेंगे, फिर धीरे धीरे इसमें घी ऐड करते रहेंगे जैसे जैसे बेसन घुलेगा। घी को पहले मेल्ट होने दीजिए। दोस्तों, अब घी मेल्ट होने तक हम इसको गर्म करेंगे। अब इसमें हम बेसन डालेंगे। इसको हम अच्छे से इसमें भूनेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि घी कम है तो इसमें और ऐड कीजिए। दोस्तों, हमें इसको धीमी आंच पे ही भूनना है। तो चलाते रहेंगे साथ के साथ, जिससे कि नीचे चिपके ना और अच्छे से भून जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी और नई नई वीडियोस लाती रहूँ। को साथ चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, ताकि नीचे चिपके ना। दोस्तों, इसको हम बीच बीच में ऐसे ही चलाते रहेंगे जिससे कि बेसन नीचे चिपके नहीं। देखिए फ्रेंड्स, इसका कैसे कलर चेंज हो रहा है। अब ये धीरे धीरे भून रहा है। आप इसको चलाते रहिए जिससे कि अच्छे से भून जाए और नीचे चिपके नहीं। देखिए दोस्तों, अब इसका कलर कितना अच्छा है। इससे ज्यादा डार्क आपको नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा। अब गैस की फ्लेम बंद कीजिए। दोस्तों, हम इसको कढ़ाई से दूसरे बर्तन में निकाल देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और हम इसमें हल्का सा ठंडा होने दीजिए ताकि बूरा मेल्ट ना हो और अच्छे से हमारे लड्डू बन जाए। ये देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया।
देखिए दोस्तों, अब हमारा जो भुना हुआ बेसन था वो थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब इसमें हम बूरा मिलाएंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे बेसन के लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप बूरा उसमें मिलाते रहिए। थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाएंगे अच्छे से। बस ये देख लीजिएगा कि आपका बेसन ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो वो मेल्ट हो जाएगी, फिर आपके बेसन के लड्डू अच्छे से नहीं बन पाएंगे। इसमें थोड़ा सा और डालेंगे पूरा। देखिए दोस्तों, हमारे बेसन के लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। ये अभी थोड़ा सा ठंडा नहीं हुआ है, देसी घी का है इसलिए आपको ऐसा मॉइस्चर ज़्यादा लग रहा है। अभी थोड़ा ठंडा होगा तो इसका मॉइस्चर चला जाएगा, अपने आप शेप में हो जाएंगे। दूसरा, मैंने थोड़ा ज़्यादा भुना है क्योंकि ज़्यादा भुना हुआ है थोड़ा टेस्टी ज़्यादा लगता है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा भुना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें, और अगर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं।